के नाखूनों से खून निकल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो यार 9-10 दिन टर्की में गुजारने के बाद आज है हमारा लास्ट डे इन टर्की। उसके बाद टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द समर। बहुत ठंड में यार बहुत बुरा हाल हो गया, लोगों ने सही कॉमेंट में कहा था एक्सट्रीम विंटर इन टर्की। हमने कोई भी शॉपिंग नहीं की थी किसी भी दिन, हमने सोचा था कि हमारी सारी शॉपिंग होगी लास्ट डे। तो आज हम लोगों ने जाना है शॉपिंग करने। तुम्हें किसने कहा था नेल उतारो ज़ैनब? ज़ैनब के नाखूनों से खून निकल रहे हैं। खुद क्यों नाखून उतारे हैं? बालों में नेल फंस रहे थे। ओह माय गॉड यार, शिट शिट शिट, दर्द हो रही है ना। ज़ैनब के साथ तो लास्ट डे मोए मोए हो गया बेचारी के साथ। एक्रेलिक्स नेल अगर आप लोगों में से भी कोई लगाता है ना तो लिसन टू मी, फुल गर्म पानी लेके ना उसमें उंगलियां डिप करनी है, फिर आपके नाखून उतर जाते हैं। देखो तुझे उसकी आधी उंगली का नाखून ही कट हो गया है यार। फातिमा राजना भी क्या किया है तुमने, पागल हो, हरकतें करती हो फिर कहती हो कि पता नहीं क्या हुआ है। चलो इसको फटाफट से बैंडेज बांधो, मुझे तो देख कर क्या कुछ होना शुरू हो जाता है। मैं पता किसी से पता पूछ लेता है, मशवरा ले लेता है। मैंने इसका उतारा, मुझे खून दोनों का एक का होता और बात थी। नहीं इस पे दर्द नहीं हुई थी ये वाली उंगली। ज़ैनब की उंगलियां कट गई टर्की में, ज़ैनब की उंगलियां कट गई। हीरा व्हाट इज दिस, आई एम रेडी टू गो। इसको नाक पे पहनो, थोड़ी ज्यादा ठंड पड़ी तो मेरे पास बैकअप है। इसको नाक पे भी तो करो। हकीकत ये है इसे तो मैं फुल ठंड नहीं लगेगी, लेकिन ना सांस नहीं आ रहा मुझे। तो यार टर्की की ठंड से लड़ाई झगड़ा करने के लिए मेरी लुक जो है वो तैयार हो चुकी है। मेरी लुक को कोई कम्पीट नहीं कर सकता। वैसे तेरी लुक बहुत मस्त है, तेरी लुक बहुत मस्त है। मम्मी भी कैप शैप पहन रही है। बहुत से लोगों ने मुझे कॉमेंट्स करके कहा है क्या आप लोगों के पास सिर्फ यही वाला कोट बच गया है। यार ये कोट इतना गर्म है ना, इतना गर्म है, फिर हम लोग ये वाला पहन जाते हैं। हीरा के पास एक ही उसने पहना हुआ। राबिया तुम भी कैप पहन लो। क्यूट लोगों की आती है वलीमा लुक, हमारी आई है ठंड लुक। लोग टर्की आए एंजॉय करने के लिए। ज़ैनब ज़ैनब ऊपर से तो सारी कवर हो गई है। ये टांग पर तुझे ठंड नहीं लग रही? मैं बताता हूँ जिंदगी में हमेशा टांगों पर कभी ठंड नहीं लगी। आज हमारा आखिरी दिन है टर्की में और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग। और होटल से बाहर निकलने के बाद ना इतनी लंबी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ती है, फुल टेढ़े पहाड़ के ऊपर जो है ना हमारा होटल बना हुआ है, मतलब बिल्कुल स्लाइड की तरह वो नीचे आ रहा है। फुल अब सबने पैदल चढ़ के कसरत करके ऊपर जाना, ये पूरी लाइन पीछे खड़ी है कसरत करने के लिए। तू ऐसे सड़का में बैठ टर्की देना, गर्म अंडे बेच। गर्म अंडे इसको, इसका एक बार टब ला दो जिसमें गरम अंडे रख के बेचे। नहीं मैं डाकू एक नंबर खोले ना, नहीं मैं डाकू। पांचों की पांचों लड़कियां बैठेंगी पीछे, बाबा बैठेंगे आगे। उसने हमको बोला कि मैं 6 बंदे बैठा तो नहीं सकता, लेकिन आप थोड़े से पैसे ऊपर करो तो मैं बिठा लूंगा। हमने पैसे ऊपर उठाए और उसने 5 लोगों को एक टैक्सी में बिठाया। ड्राइवर अंकल इतना स्वीट था, उन्होंने पाकिस्तानी गाने लगा दिए गाड़ी में। तो यार हम लोग की फाइनली शॉपिंग वगैरह डन हो गई थी। अब हम लोगों ने सोचा कि इनकी मेट्रो ट्रेन में थोड़ा बहुत सफर किया जाए। अब सब बच्चे जो है वो मेट्रो ट्रेन में बैठे हैं। ज़ैनब के ऊपर रेड लाइट क्यों बच गई है? इन दोनों को यही बैठा देते, हम पीछे चले जाते हैं। अच्छा लग रहा है इनकी मेट्रो में बैठ के। हीरा भी यहाँ पर ठंड नहीं लग रही है बदल दे, मैं ये डंडा पकड़ लेती जाके गिरूँ ना। लास्ट डे था तो हमने कहा क्यों ना इनकी मेट्रो का सफर कर लिया जाए, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा, थोड़ा मस्ती आ जाए। कैसा है मेट्रो का एक्सपीरियंस? अच्छा है, बहुत अच्छा। ज़ैनब को देखो, इट्स फन। हम सब फर्स्ट टाइम पूरी फैमिली इस तरह मेट्रो में बैठे हैं, पाकिस्तान की मेट्रो में नहीं ना बैठे, पाकिस्तान की बैठेंगे। कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। एक लड़का बैठा हुआ था, उसने कहा कि आंटी आप बैठे, तो उसने मम्मा को जगह खाली करके दे दिया कि आंटी जो है वो भड़ी है। यार हमें इनकी टर्किश लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। वो निकल रहे हैं स्टेशन से, निकलो बाहर। हम लोगों ने तकसीम स्क्वायर जाना था बट ये उधर नहीं रुक रही, हमें टर्की पढ़नी नहीं आई, ये कहीं और ही रुक रही है। उतरो यहाँ से, ट्रेन को गुड बाय टाटा, क्योंकि ये ट्रेन वहाँ नहीं जा रही थी जहाँ हमें जाना था। उन्होंने कहा है कि यहाँ से उठ के उस ट्रेन की तरफ जाओ, वहाँ पे आएगी तकसीम स्क्वायर की बस। यार एक तो यहाँ पे लैंग्वेज बहुत मसला हो गया, आज टूरिस्ट हमारे साथ नहीं था, आज हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। सर्दी ऊपर से इतनी पड़ी है, बाजार अगली ट्रेन ने भाई यहाँ से आना है वो भी नहीं आ रही। आखिरी दिन ना साडा यादगार रहने वाला पूरी टर्की से। पता लग गया कैसे जाना है? तुर्क ज़बान में सारी इंग्लिश लिखी नहीं हुई है, इंग्लिश लिखी नहीं हुई टर्की है, तो वो समझ ही नहीं आ रहा हमें। कुछ समझ नहीं आ रहा। हीरा अपनी खोपड़ी से जोर लगा, जहाँ जाना है नंबर 12 समथिंग लिखा हुआ है। हम तो यहाँ टर्की की सड़कों पे गए हैं घूम, और इधर टैक्सी भी नहीं आ रही जहाँ पे हमें ट्रेन ने उतार दिया। शुक्र है हमारी जो है वो ट्रेन आ चुकी है।
ब्यूटीफुल सी मेट्रो आ चुकी है। इस बटन को प्रेस करेंगे डोर ओपन हो जाएगा। इस मेट्रो ट्रेन में हम लोगों को बैठने की जगह मिल चुकी है। अब आराम से अपने लोकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें एक पाकिस्तानी लड़की मिल चुकी है जिसने हमें सारा गाइड किया। अभी भी हम गलत बस पे बैठ चुके हैं। थैंक यू पाकिस्तानी लड़की जिसने हमें सारा कुछ गाइड किया। ना हमारे पास टूर गाइड है और ना हम लोगों को अब यहाँ से मेट्रो से बाहर निकल के आगे जाने तक का कोई रास्ता आता है। वो लड़की ने हमें जितना समझाया था से आगे हमें कुछ समझ नहीं लगा। वो बेचारी पाकिस्तानी लड़की हम लोग को बता करके चली गई। लव यू यार। चढ़ गए हैं बैठ बैठ कर। उतर रहे हैं जा रहे हैं, उतर रहे हैं जा रहे हैं, यही काम रह गए। यहीं से तो हम गए थे। हमने इसी जगह से मेट्रो ली थी और सेम हम वापस उसी जगह पे आ खड़े। जिथे दिखोती उठे आन खलोती। हम लोग अभी ट्रेन में बैठी है की ट्रेन का दरवाजा बंद हो चुका है। सब लोग पीछे रह गए हैं। मुझे और जैनब को पापा फिलहाल इधर फिंदीकली इनका स्टेशन है इधर उतार रहे हैं। फिर पापा वापस जाएंगे उन वो जहाँ पे रह गए हैं राबिया और जैनब और मामा उनको लेकर के वापस आएंगे। आप यहाँ बैठ जाओ। ठीक है ठीक है ओके। पापा जो है वो चले गए हैं। हमें वो कह के गए हैं कि यहाँ से उठना नहीं है यहीं बैठे रहना है। घर पहुँच जाए किसी तरह। या अल्लाह आई वांट टू गो होम। हेल्प मी आई एम लॉस्ट इन टर्की। हेल्प मी। लड़कियों को तो ये भी समझ नहीं आ रही होगी। एग्जैक्टली। मुझे मेरे होटल छोड़ो। गरम अंडे ये सब है। मैं डर गई। मुझे फाइनली राबिया दिख गई है येलो कोर्ट में। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला वो प्लीज 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 राबिया ही हो जाए ना। अंदर नहीं जाना भाई रहो। शुक्र है शुक्र है। ऐसे खड़े हुए पापा की ट्रेन के पापा ये थे। अब उधर जाना है हमने। लोग पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आ गए और अभी यहाँ पे हमने खाना शाना ऑर्डर किया है। बिरयानी खाएंगे कढ़ाई खाएंगे। अल्लाह पाकिस्तान के खाने और पाकिस्तान दोनों को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। सच में अपना मुल्क अपना मुल्क हो। कौन दिखे हैं गेस करें। हमारे अपने हीरो आर रियल हीरो। अपनी वाइब आ रही है यार। सबसे पहले तो आ गए भाई पाकिस्तानी गर्मा गर्म पकौड़े। सही चस आ गई है यार। चिकन अचारी कढ़ाई और ये साथ में है बिरयानी मजे की और ये साथ में रोटी। ये हुई ना पाकिस्तानी खाने वाली बात। चाय जिसको पिए कोई अरसा ही हो गया था। मजो आ जाए। पापा जो है वो टर्किश चाय पियेंगे और मैं तुम लोगों को देखूंगी बस। ओके हाँ, okay. तो और फाइनली होटल के रूम में आ चुके हैं। अब निकलने की तैयारियां भरपूर तरीके से पकड़ ली है। तो कल हम जो शॉपिंग कर आए थे ना इस वाले बैग में सारी शॉपिंग डालनी है। इतनी सारी शॉपिंग की है बॉक्सेस हम लेकर नहीं जा सकते। डब्बों में से निकाल करके चीजें सारी अंदर फिट करनी होंगी। और हमने क्या शॉपिंग की है और हमने टर्की से क्या क्या लिया, कौन से मसाले कौन से जूते कौन से बैग्स लिए हैं, ये मैं आपको घर जाके सारी चीजें दिखाऊंगी टर्की की शॉपिंग। सो अभी फिलहाल जल्दी बहुत है हमारी फ्लाइट ना मिस हो रही इसलिए सारा सामान अंदर ठूसते हैं तो निकलने हैं। शॉपिंग कर ली अभी तो शुक्र करो हमने सारे बॉक्सेस डब्बे इधर ही फेंक दिए ताकि वो तो इतना हो जाना था और ऑलरेडी 10 बैग है इतना अलाउ ही नहीं होना था हमें। तो अभी फिलहाल इसके ऊपर बैठ अभी हम दो बैग लेके आए हैं। हाँ अभी नहीं मांग रहे वेट एक्स्ट्रा हो गया फिर नहीं होगा तुम पकड़ लो एक्स्ट्रा नहीं होगा। फिलहाल इसको बंद करते हैं ये बंद हो जाए किसी तरह। मैंने ना हैक्स देखे थे लोगों के बंद करने के ऊपर बैठ जाते हैं। पत्मा ऐसे नहीं होगा ये बंद करना। इतनी ज्यादा करके तो शॉपिंग हमने कर ली है डब्बे ही नहीं बंद हो रहे। एयरपोर्ट से बड़े बाहर फेंक देना हमें। चलो करो जोर लगा जोर लगा जोर लगा जोर लगा तो गाइस फाइनली हम लोग सेफ एंड साउंड पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यार अपने मुल्क में वापस आ गए। तो अब जो है ना वो आते साथ बर्थडे की तैयारियां स्टार्ट करनी है। मेरी बर्थडे सर पे खड़ी हुई। तैयारियां स्टार्ट करते हैं बर्थडे शर्डे की। होप सो यू लाइक द व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो कॉमेंट करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।